Hello and welcome. Today's learning outcome is hum samjhenge what is risk, what is a business risk, and what are the categories of business risk. But before we move on to the business risk part, we have to understand what is a risk. Risk kaise kehte hain? Risk ka jab lafz hamare zehen mein aata hai, to hamare zehen mein kya thoughts aate hain? Kya thoughts aate hain hamare zehen mein? Hamare zehen mein ye thought aata hai ki risk is something bad. एक बुरा थॉट आता है. ऐसा नहीं होता कि लेट्स सपोज हम इस्तेमाल करते हैं रिस्क को, अगर हम आम अपनी जिंदगी में जब इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज़ को, तो हम कहते हैं भाई लेट्स सपोज इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने में रिस्क बहुत है. या फिर जब आपने सीए स्टार्ट किया होगा तो लोगों ने आपसे कहा होगा कि यार सीए में रिस्क बहुत है. तो क्या कहना चाह रहे थे वो? वो ये कहना चाह रहे थे कि सीए के पास होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है और शायद तुम उनमें से ना हो. वो ये कहना चाह रहे थे कि इस स्टॉक में से प्रॉफिट निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है और शायद जो आप ये काम कर रहे हैं इसमें से आपको प्रॉफिट ना मिले. तो बेसिकली वो ये कहना ही चाह रहे थे कि रिस्क के अंदर एक अनफेवरेबिलिटी का आइटम है या फीचर है. अनफेवरेबिलिटी एबिलिटी राइट, अनफेवरेबिलिटी का फीचर है, यानी इट्स समथिंग दैट प्रॉब्ली मे लीड टू समथिंग अनफेवरेबल. Now, unfavorability is a very relative term. What may be unfavorable to me may not be unfavorable to you. तो अगर मैं इस perspective से बात करूँ तो unfavorability किसके perspective से? तो हमारे ज़हन में हमेशा आता है कि when we talk about CA, तो CA में मेरा objective है. मेरा objective क्या है कि मुझे pass करना है. Stock में मेरा objective है because मुझे stock से profit निकालना है. तो मैं ये कहता हूँ कि unfavorability is always linked or packed with objective. What is your objective? तो जब भी हम उस रिस्क का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप रियल लाइफ के सोशल लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो, रिस्क का लफ्ज़ विल ऑलवेज हैव दीज टू फीचर्स. वन इज अनफेवरेबिलिटी, द अदर इज द ऑब्जेक्टिव. लेकिन इसके अलावा एक और फीचर भी है. वो फीचर क्या है? रिस्क इज नॉट समथिंग दैट हैज हैपेंड, दैट इज येट टू हैपन. दैट मीन्स दैट इट इज अ पॉसिबिलिटी. रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी, इट्स नॉट समथिंग दैट हैज हैपेंड एक्चुअली. यानी अगर मैं ये बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि लेट सपोज रिस्क, अगर एक स्टॉक में रिस्क है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉस हो चुका है. इसका मतलब ये कि वो लॉस हो सकता है. लेट सपोज मैं ये कहता हूँ कि मैं सी ए में रिस्क इसलिए नहीं है बिकॉज सी ए मैं पास नहीं कर पाऊंगा. एंड आई नो दैट दैट हैज हैपेंड, दैट इज नॉट अ रिस्क. इफ आई हैव ऑलरेडी फेल्ड टू अचीव माई ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स टू से दैट देयर इज नो रिस्क इन दैट. आई ऑलरेडी नो इट. सो रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी, इट हैज अ प्रोबेबिलिटी, इट हैज अ चांस टू समथिंग. तो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो मैं कहता हूं लेट सपोज अगर प्लांट में या फैक्ट्री में आग लग चुकी है, तो आग लगना इज नॉट अ रिस्क, वो तो लग चुकी है, इट इज एन एक्चुअलिटी. आग लगने के बाद जो कुछ मुमकिन हो सकता है, जो कंपनी के बुरे के अंदर है, यू नो इट्स नॉट इन फेवर ऑफ द कंपनी, सो दैट इज बेसिकली द रिस्क. सो रिस्क हैज थ्री फीचर्स. वन इज द अनफेवरेबिलिटी. द अनफेवरेबिलिटी, that means that it's not something that probably will result in deviation that is in favor of the company. So agar main ye nahi bolunga, let's suppose ki mera risk ye hai ki mujhe customers pure na mile, aur let's suppose customers aa gaye, to ye bhi risk hai. Nahi, risk nahi hai because it's something favorable to the company. Theek hai, so hum ye iski baat karte hain. Now next point is objective, the third point is possibility. Now in these three points हम लोगों ने ये समझा कि व्हाट इज अ रिस्क. नाउ इफ यू अप्लाई दिस एंटायर कॉन्सेप्ट टू द बिजनेस रिस्क आइडिया, व्हाट इज दैट बिजनेस रिस्क? बिजनेस का रिस्क के ऊपर अगर मैं अप्लाई करूं तो मैं कहता हूं बिजनेस रिस्क जो है वो क्या होगा? वो होगा, वो सब कुछ वही होगा कि जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव ना करें. बिजनेस का ऑब्जेक्टिव आमतौर पर इज व्हाट? द प्रॉफिटेबिलिटी. प्रॉफिटेबिलिटी इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लेट सपोज कोई एनजीओ है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके केस में ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, एटलीस्ट अपेरेंटली. इट इज टू बेसिकली फॉर एग्जाम्पल टू गो आउट एंड रीच एंड सर्व पीपल. लेट सपोज एक फ्लड रिलीफ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, सो देयर ऑब्जेक्टिव वुड बी टू डू मैक्सिमम रीच, टू टेक द डोनेशंस एंड टू मेक श्योर दैट दीज डोनेशंस रीच आउट टू द यू नो डिजायर्ड रेलिवेंट पीपल. सो यहाँ पे हमारे पास आमतौर पे नॉन एनजीओ के केस में आपके पास दूसरे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, विच आर नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स, राइट? ये बात जब हमने समझ ली कि बिजनेस का ताल्लुक ऑब्जेक्टिव्स का ताल्लुक होता है प्रॉफिटेबिलिटी से, सो बॉटम लाइन इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. नाउ इन
Now let's understand what are the categories of business risk. देखिए business की categories को समझने के लिए आप ये देखिए there are different variations, there are different routes from where risk can come into the organization and we can call it a business risk. Now अगर हम बात करें organization की, the word organization, what does that tell you? The word organization. Organization. ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क कहां से आएंगे? ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क वहीं से आते हैं कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन बनती है. ऑर्गेनाइजेशन बनती है आपके स्टेक होल्डर से, यानी आपके सप्लायर्स से, आपके कस्टमर्स से, आपके रेगुलेटर से, आपके फाइनेंसर से, मे बी बैंकर, मे बी इक्विटी, यू नो, आपके लेबर से, एम्प्लॉय से. इन जगहों से आपकी ऑर्गेनाइजेशन बन रही होती है, ठीक है, सप्लायर एंड कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ, ठीक है. तो इन जगहों से आपकी ऑर्गेनाइजेशन बन रही होती है. ऑर्गेनाइजेशन जिस अंदाज से बनती है, अच्छा, एक बिजनेसमैन का काम ये होता है, एक एंटरप्रेन्योर का काम ये होता है, एक बिजनेसमैन का या एंटरप्रेन्योर का काम ये होता है कि वो इन तमाम डिसऑर्गेनाइज्ड जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक अम्ब्रेला के अंदर लेके आए. वो जानता है कि यार वहां पे प्रॉफिट मौजूद है, वहां पे कस्टमर जो पे करने को तैयार है, वहां पे सप्लायर है जो कि लेट सपोज माल देने को तैयार है, वहां पे फाइनेंसर है जो कि पैसा देने को तैयार है, यहाँ पे लेबर है जो काम करने को तैयार है, वहां पे रेगुलेटर है जो कि चाहता है कि सारे काम हो बजाहिर. तो अगर ये सारी तमाम तरह चीजें हैं तो इसको वो ऑर्गेनाइज करता है और उसको वो कहता है एक ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाट इट इज. ऑर्गेनाइजेशन जिन चीजों से मिलके बनती है उन्हीं चीजों के डिसऑर्गेनाइज होने को कहते हैं रिस्क, उसके होने की पॉसिबिलिटी को कहते हैं रिस्क. यानी रिस्क क्या होगा? सप्लायर माल ना दे इज अ रिस्क, राइट? सप्लायर अगर आपको माल नहीं देता तो वो रिस्क है. सप्लायर अगर माल आपको देर से देता है, दैट इज ऑल्सो अ रिस्क. सप्लायर अगर आपसे ये कहता है कि यार मैं आपको फॉर एग्जाम्पल 10 की जगह 20 दिन में दूंगा, दैट्स ऑल्सो अ रिस्क. कस्टमर ये कहता है मैं आपसे खरीद नहीं रहा, दैट्स ऑल्सो अ रिस्क. कस्टमर ये कहता है कि मैं आपको पेमेंट देर से दूंगा, दैट्स ऑल्सो अ रिस्क. रेगुलेटर ये कहता है कि यार ये 10 चीजें हैं 12 चीजें और कर लो, दैट्स ऑल्सो अ रिस्क. उसने बिजनेस करना मुश्किल कर दिया आपके लिए. रेगुलेटर ये कहता है कि यार ये पेनल्टीज हैं इन कामों को अगर आपने नहीं किया, पहले आप ये नॉन कंप्लाइंस कर रहे थे, अब उसने आपसे कहा है कि ये नॉन कंप्लाइंस करोगे तो आपको पेनल्टीज पड़ेंगी, दैट्स ऑल्सो अ रिस्क. रेगुलेटर ने आपके लिए कंडीशंस मुश्किल कर दी. फाइनेंसर ने आपके लिए पैसा महंगा कर दिया, ठीक है, उसने अपना रेट बढ़ा दिया. फाइनेंसर ने रीस्केड्यूल करना छोड़ दिया है लोन. वो कहता है कि नहीं यार अब आपके मतलब आपके बस की बात नहीं हो पाएगा ये, तो हम ये आपको लोन अब मजीद रीस्केड्यूल नहीं कर रहे. एम्प्लॉय लेबर ने कहा हम काम नहीं कर रहे, एम्प्लॉय लेबर ने कहा हमें इंक्रीमेंट चाहिए, एम्प्लॉय लेबर का टर्नओवर बहुत हाई है, एम्प्लॉय और लेबर के डिफरेंट तरह के क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं, तो ये तमाम तरह चीजें क्या होंगी? ये आपका यहां से रिस्क आएगा. क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स ये उसकी हमने बात कर ली. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस एंटायर फिनोमेना, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज व्हाट ऑर्गेनाइजेस ऑर्गेनाइजेशन, वहीं से ही वहां आपको एक रिस्क मिलेगा और एक रिस्क फैक्टर. नाउ दीज आर द एरियाज फ्रॉम विच, वो रूट्स हैं जहां से आपको रिस्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता हुआ नजर आता है.